केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान लंबे वक्त से बीमार थे। 6 दिन पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को अचानक उनके निधन की खबर आई और परिवार समेत राजनीति जगत स्तंभ रह गया। पिता के निधन की जानकारी बेटे चिराग पासवान ने दी। बिहार विधानसभा चुनाव में लोकपा की कमान संभाल रहे चिराग पासवान पिता के निधन से बेहद भावुक हो गए। पिता के निधन की सूचना उन्होंने ट्वीट कर दी। पिता के साथ अपने बचपन की तस्वीर साझा कर उन्होंने अपनी मनोदशा को शब्दों के जरिए प्रकट करने की कोशिश की। पिता से बेहद करीब रहने वाले चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा कि पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे वक्त से बीमार थे और दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 6 दिन पहले ही रामविलास पासवान की हार्ट सर्जरी हुई थी। एम्स में 2 अक्टूबर की रात को उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। दूसरी बार उनके हार्ट की सर्जरी की गई थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत देश भर के राजनेताओं ने शोक जताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।